एवरीवन, मैं हूँ ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ यूटीआई के बारे में, यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के बारे में। ये ज़्यादातर महिलाओं में ज़्यादा होता है, यानी कि फीमेल्स में ही ज़्यादा होता है मेल के हिसाब से, क्योंकि जो वजाइनल ओपनिंग होती है उसके साथ जो ब्लडर ओपनिंग है उसके जो डिस्टेंस होती है ना, वो बहुत कम होती है फीमेल्स में, जबकि मेल्स में ज़्यादा होता है। और जो यूरेथ्रा होता है, यानी कि जो यूरिन पास करने की जो ट्यूब होती है, वो भी बहुत शॉर्टर होती है फीमेल्स में मेल के हिसाब से। इस वजह से फीमेल्स में ये इन्फेक्शन जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और ये फीमेल्स में कॉमन भी होता है। इसके कुछ कॉमन सिम्टम होते हैं, लाइक यूरिन पास करने में दिक्कत होना, या फिर यूरिन में जलन होना, और मतलब बहुत ही फ्रीक्वेंटली, मतलब थोड़ी थोड़ी आपको यूरिन के लिए, यूरिन पास करने के लिए बाथरूम जाना, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो सिम्टम हैं वो बहुत कॉमन है। चलिए बात कर लेते हैं कि यूटीआई के क्या क्या मोस्ट कॉमन सिम्टम होते हैं, जिससे आप पता कर सकते हो कि हाँ आपको यूटीआई की प्रॉब्लम है। सबसे पहला जो सिम्टम होता है वो है यूरिन पास करने के टाइम आपको बहुत ज़्यादा पेन होना, मतलब कि जलन फील होना, जलन होना बहुत ज़्यादा, मतलब इतना जलन होना कि आप यूरिन ही पास ना कर सको, कुछ ऐसा चीज़ें आप नोटिस करोगे, ये पहला। दूसरा होता है कि बार बार आपको यूरिन आती है फ्रीक्वेंटली, मतलब कि अभी अभी आप यूरिन करके आए हो और फिर आपको फील हो रहा है, क्या रहा है कि आपको बाथरूम जाना है। दूसरा, तीसरा सिम्टम आप नोटिस करोगे वो है कि कंट्रोल ना कर पाना आप। हो सकता है कि आपको कुछ मिनट के लिए वेट करना पड़े, पर आप बिल्कुल नहीं वेट कर पाते हो, ये भी एक बहुत कॉमन सिम्टम होता है। अगला सिम्टम जो आप नोटिस करोगे वो है लोअर एब्डोमेन में क्रैम्प होना, या फिर पेन होना, बैक साइड पे पेन होना, क्योंकि ये जो इन्फेक्शन होता है इसके वजह से ही आपको लोअर एब्डोमेन में काफ़ी पेन आप महसूस करते हो। और भी कुछ कॉमन सिम्टम है, लाइक फीवर होना, या फिर नौसिया जैसा आपको फीलिंग आना, या फिर के फुल बॉडी में आप थोड़ा पेन महसूस करते हो, ये सारी चीज़ें जो सिम्टम होते हैं वो बहुत कॉमन होता है। और लगभग हर फीमेल्स अपने लाइफ में कभी ना कभी, चाहे एक बार भी हो ना, पर यूटीआई को ज़रूर फील करता है, क्योंकि ये उनकी रेगुलर लाइफस्टाइल के लिए होती है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो करते हैं जिस वजह से उनको यूटीआई की प्रॉब्लम हो जाती है, और अक्सर फीमेल्स को, हर फीमेल्स को कभी ना कभी यूटीआई की प्रॉब्लम होती ही है। बहुत कम फीमेल्स होते हैं जो ज़िंदगी में यूटीआई को एक भी फील, मतलब एक बार भी वो मतलब कि अपनी लाइफ में उनके साथ ना हुआ हो। तो हर फीमेल्स को ही ना इसके बारे में जान लेना ज़रूरी है। बहुत सारी फीमेल्स ऐसे होते हैं जो एक्सपीरियंस्ड हैं, कुछ नहीं है पर आगे हो सकते हैं, तो इस बारे में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर यूटीआई होता क्यों है, ये प्रॉब्लम फीमेल्स के साथ होता क्यों है। सबसे पहला जो कारण है वो है कम पानी पीना। मैक्सिमम आपको आप जैसा पी सकते हो आपके कंफर्ट के हिसाब से, पर कम से कम आपको 3 से 4 लीटर पानी ज़रूर पीना है अपने लाइफ में। पर ये एक रिकॉर्ड है, पता है लड़कियां बहुत कम पानी पीती हैं, और इसका असर ना उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत ज़्यादा पड़ता है, और बहुत बार इसी वजह से उनको यूटीआई की प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरा होता है सेक्सुअल एक्टिविटी, क्योंकि जो अनप्रोटेक्टेड इंटीमेसी होती है, इसी के कारण बहुत सारी फीमेल को यूटीआई की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसके दौरान बहुत सारी बैक्टीरिया होती है जो उनके यूरिनरी ट्रैक थ्रू अंदर चली जाती है और फिर वहाँ पर इन्फेक्शन कर देती है, तो इसी वजह से उनको यूटीआई की प्रॉब्लम होती है। तीसरा जो रीज़न होता है वो है यूरिनरी स्टोन। बहुत सारी फीमेल ऐसी होती है जिनको, जो जिनके यूरिनरी ट्रैक में या फिर ब्लडर में स्टोन होता है, जिस वजह से उनको बार बार यूटीआई की प्रॉब्लम होती है और इससे वो सफ़र करते हैं। तो मस्ट, जिनको यूटीआई की प्रॉब्लम बार बार होती है ना, डॉक्टर्स उनको इस चेकअप के बारे में सलाह देते हैं। अगला जो रीज़न है वो है हाई शुगर लेवल। जिनको बहुत ज़्यादा शुगर की प्रॉब्लम होती है, जिनका लेवल बहुत ज़्यादा होता है ना, उनके साथ अक्सर ये प्रॉब्लम बार बार घटती है। और भी कुछ कारण हैं, जैसे कि न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज़, ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से बार बार फीमेल्स को यूटीआई की प्रॉब्लम होती है। लास्ट रीज़न अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स, डॉक्टर्स ये कहते हैं कि जिस फीमेल्स को रिसेंटली सर्जरी हुई है, चाहे यूरिनरी ट्रैक में ही हुई हो, या फिर चाहे लोअर एब्डोमेन में, या फिर कहीं भी, तो उनकी यूरिनरी ट्रैक में जब कैथेटर डाला जाता है ना, तो उस कैथेटर के यूजेस के वजह से भी बहुत बार फीमेल्स को यूटीआई की प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि ये एक फीमेल की कॉमन प्रॉब्लम है, ठीक वैसे ही इस प्रॉब्लम का सलूशन भी बहुत नॉर्मल है, बहुत इजी है।
तो इसमें उतनी डरने वाली बात नहीं होती। अगर आप डायग्नोस कर सकते हो कि हाँ आपको ये प्रॉब्लम है, तो आप जल्द से जल्द डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें। और इसका जो प्रोसेस होता है ना, बहुत बिजी होता है। कुछ ऐसे मेथड हैं जो आप जो आपकी ट्रीटमेंट है उसके साथ साथ कर सकते हो, जिससे आपको बहुत जल्दी आप इस प्रॉब्लम से छुटका भी पा सकते हो और बार बार आपको ना हो वो भी आप मेंटेन कर सकते हो। पहला, आपको भर के पानी पीना है, ये सबसे पहला सोल्यूशन होता है। दूसरा, जब भी आप इंटीमेसी, जब भी आप अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होते हो, तो उसके बाद ज़रूर अपने प्राइवेट एरिया को वॉश करना है। ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप अनप्रोटेक्टेड इंटीमेसी में इन्वॉल्व होते हो ना, तो उसके दौरान कुछ बैक्टीरियस होते हैं जो फ्रिक्शन की वजह से, अनप्रोटेक्टेड आप इंटीमेसी होते हो तो जो बैक्टीरियस होते हैं ना, वो इन यूरिनरी ट्रैक के थ्रू ना अंदर चली जाती है, ब्लडर में चली जाती है, और इसी वजह से ना उनको इन्फेक्शन हो जाता है। तो मस्ट आपको उसके बाद वॉश कर लेना चाहिए अपने फेवरेट पार्ट को। फोर्थ, कब जब भी इंटीमेसी होना है उसके बाद यूरिन पास ज़रूर करना है, क्योंकि कुछ भी अगर बैक्टीरिया अंदर चला गया हो ना, तो बहुत ज़्यादा, मतलब मैक्सिमम फेज पे क्या होता है कि वो जो बैक्टीरिया होता है ना, वो फ्लश आउट हो जाता है यूरिन के साथ, बॉडी से बाहर चला जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉश ज़रूर करना है, यूरिन ज़रूर करना है। बहुत सारी फीमेल्स ये गलती करते हैं कि वो इंटीमेसी के बाद ना बाथरूम नहीं जाते, जिस वजह से उनको बार बार यूटीआई की प्रॉब्लम होती है, और वो इससे काफ़ी उनको प्रॉब्लम होती है। बहुत सारा आपको लिक्विड लेना है, ज़रूरी नहीं कि आपको पानी ही पीना है। कुछ अदर जैसे कि फ्रूट्स ले सकते हो, वेजेस ले सकते हो, या फिर बहुत सारे ऐसे फूड आइटम हैं जिसमें भर के पानी होता है। तो लिक्विड्स अलग अलग तरीके से, सूप वगैरह जो है आप कंटिन्यू लेते रहो, इससे भी आपको बॉडी में जो पानी की मात्रा है वो मेंटेन रहेगी। और एक और चीज़ आपको ज़रूर करना चाहिए, वो है कि जब भी आप इंटीमेट होते हो, तो एक्स्ट्रा बैरियर प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप ये करते हो ना, तो इन्फेक्शन जो है वो होने के चांसेस ही नहीं रहते, क्योंकि यूरिनरी ट्रैक से फिर जो बैक्टीरिया होता है वो अंदर जा ही नहीं पाता। बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं ना कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है और आपको क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे फीमेल ऐसे होते हैं ना, जो ऐसे ही मेडिसिन शॉप से जाके ना दवाई ले लेते हैं, खा लेते हैं, या फिर खुद डॉक्टर बन जाते हैं, गूगल कर लेते हैं और वहाँ से कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिल जाता है ना, दवाई के बारे में पता कर लेते हैं और वही ले लेते हैं। अगर मैं आपको कुछ भी मेडिसिन मतलब के सजेस्ट करती हूँ ना, तो डेफिनेटली मुझे इंश्योर होना चाहिए कि वो हाँ वो आपके लिए इफ़ेक्टिव है। पर आप क्या हो, आपके बॉडी में क्या हो रहा है, क्या आपके बॉडी में डिजीज़ है, क्या है क्या नहीं है, क्या उसका साइड इफेक्ट हो सकता है, इसके बगैर जाने मैं आपको कोई भी मेडिसिन नहीं बोल सकती, क्योंकि मैं पहली बात तो डॉक्टर नहीं हूँ, और डॉक्टर भी ना ऐसे कोई भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करते। वो पहले आपको एनालाइज करेंगे, आपको देखेंगे, परखेंगे क्या रीज़न होता हुआ है जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हुई है, फिर वो आपको मेडिसिन देंगे। तो अपने आप से कोई भी एंटीबायोटिक, कोई मेडिसिन लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि एंटीबायोटिक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लाइफ फ्रेंडली है ना, पर यही आपके लिए जानलेवा हो सकता है अगर आप इसका गलत तरीके से इस्तेमाल करते हो। और फ्रिक्वेंटली लेना बहुत गंदी बात है। और बहुत सारी फीमेल क्या करती है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया ना, तो वो मेडिसिन लेना बंद कर देती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। डॉक्टर्स जो कोर्स देते हैं ना, पूरा जो कोर्स होता है, कोई कोई डॉक्टर 10 दिन का कोर्स देते हैं, कभी कभी डॉक्टर 5 दिन का कोर्स देते हैं, डिपेंड ऑन मेडिसिन। तो आपको फुल कोर्स लेना है, 2 दिन या 3 दिन लिया और फिर बंद कर दिया, ये नहीं करना है। ये अक्सर फीमेल्स करती है, क्योंकि मैं भी एक फीमेल हूँ, और बहुत बार ऐसे कि थोड़ा बुखार हुआ ना, तो 5 दिन का दवाई देते हैं डॉक्टर, हम 2-3 दिन के बाद ही बंद कर देते हैं, ये होता है। पर ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सीरियस कंडीशन होती है, तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पर सबको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और इन्फॉर्मेशन के बारे में अगर आपको कुछ भी बोलना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आपको कोई भी टॉपिक पे मुझसे वीडियो चाहिए, वो भी आप मुझे ज़रूर शेयर करें, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आपके लिए वो वीडियो लाने के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप हेल्दी। बाय।